हेलो गाइस, कैसे हो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पिक्सार्ट के अंदर ऑयल पेंट फोटो इफेक्ट एडिटिंग कैसे करते हो सिखाने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो कि पहले वाले फोटो को मैंने ऑयल पेंट इफेक्ट देके बहुत ही अच्छा यहाँ पे फोटो बना दिया। सो फ्रेंड, कैसे बनता है इस वीडियो पे बने रहेगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर दिया सब्सक्राइब। चलिए फोटो एडिटिंग को स्टार्ट कर दे। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको डाउनलोड करना पिक्सार्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को डाउनलोड होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी इमेजेस और बैकग्राउंड इमेजेस दे रहा हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने बैकग्राउंड का सिलेक्शन कर दिया और यहाँ से आपको बॉटम में लेयर में एक ऑल फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑल फोटो पर जाना और आपको अपनी गैलरी में से कोई भी फोटो ले लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने एक मॉडल जेपीजी फोटो ले लिया। इसके अंदर बैकग्राउंड आ रहा है, इसको इरेज करने के लिए बॉटम में जो लेयर है यहाँ पर आपको एक कटआउट वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। कटआउट वाले ऑप्शन में जाकर फ्रेंड्स, आपको फिंगर टिप की सहायता से फोटो को कुछ ऑब्जेक्ट को बॉडी सरफेस के ऊपर इस स्टेप से सेलेक्ट कर देना है। दोनों डॉट्स को मिला देना, ऊपर एरो बटन की सहायता से फोटो को यहाँ पे सेव कर देना है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि फोटो यहाँ पे अच्छी तरीके से बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। इसे फिर से चेकबॉक्स पे चेक कर देना है जिसकी सहायता से फोटो का बैकग्राउंड यहाँ पे इरेज हो जाएगा। फ्रेंड्स, फोटो में थोड़ा सा ब्राइटनेस लाने के लिए यहाँ पे एडजस्ट का एक ऑप्शन रहेगा। एडजस्ट में जाने के बाद फ्रेंड्स, इसका ब्राइटनेस आपको थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है क्योंकि फोटो के अंदर एक ग्लो इफेक्ट भी होना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने फोटो को ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दिया। ब्राइटनेस बढ़ा देने के बाद आपको क्या करना है, इस फोटो को यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में चले जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एफएक्स, और एफएक्स में आपको यहाँ पे स्लाइडर के द्वारा एक फोटो फ्रेम यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उस फोटो फ्रेम का ही आपको कलर कोडिंग लेना है। ये वाला नियॉन पॉप वाला, ये वाला आपको कलर कोडिंग यहाँ पे सेट कर देना है। इसे कर देना है सेलेक्ट। सेलेक्ट होने के बाद आपके फोटो के अंदर ऑयल पेंट इफेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि इसका जो फेड ओपेसिटी है वो आपको थोड़ा बहुत बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद आपको यहाँ पे फोटो के अंदर जो ऊपर चेकबॉक्स का एक ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। फ्रेंड्स, सेलेक्ट होने के बाद आपका फोटो ऑयल पेंट इफेक्ट में आ जाएगा। ऊपर में जो एक इरेजर का टूल दिया गया है जिसकी सहायता से फोटो के अंदर ये जो नीचे का एक्स्ट्रा बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो एक ओपेसिटी लेयर में बनना चाहिए। तो इसका मैंने ओपेसिटी थोड़ा बहुत इरेजर का कम कर दिया और आपको इरेजर टूल की सहायता से फोटो के बैकग्राउंड को यानी नीचे वाले बैकग्राउंड को आपको इरेज कुछ स्टेप से कर देना है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेवल फोटो एडिटिंग होने को जा रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या करना, फोटो को थोड़ा स्ट्रेच कर देना है। आपको लेयर पर आगे आ जाना और लेयर पर आने के बाद सारे फोटो को यहाँ पर एक्सपोर्ट यहाँ पर कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने फोटो को चेक कर दिया और यहाँ पर आपको बॉटम लेयर में आपको एक फ्रेम वाला एक ऑप्शन मिल रहा होगा। तो फ्रेम पे चले जाना, फ्रेम में आपको यहाँ पे बर्थडे फ्रेम वाला एक इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला फ्रेम को फोटो के अंदर सेट कर देना। सेट होने के बाद फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि ऑयल पेंटिंग इफेक्ट आपका हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, और वीडियो को एक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।